एक ही दिन में लाखों सिम BSNL में हो रही हैं पोर्ट। जियो, एयरटेल और VI का खेल खत्म। अब पूरे भारत में BSNL का ही चलेगा बादशाहत। सिम पोर्ट कराने पर मिलेगा 4G डाटा फ्री। टाटा ने दिया 140 करोड़ भारतीयों को बड़ा तोहफा। अब टाटा ऐसा BSNL का सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च करने जा रही है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया होगा। इस रिचार्ज प्लान के आ जाने से BSNL को कोई बीट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब मार्केट में जियो, एयरटेल और VI का BSNL बाप बन गया है। एक समय था जब BSNL के कर्मचारी कामचोर हो गए थे, कस्टमर से सही से बात नहीं करते थे, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देरी करते थे, जिसकी वजह से आम जनता का विश्वास BSNL पर से धीरे धीरे उठता चला गया और यही रवैया BSNL को ले डूबा। लेकिन अब इन कर्मचारियों को नजर आ रहा है कि कंपनी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। अब BSNL पॉपुलर हो चुका है पूरे देश भर में। सोशल मीडिया पर BSNL का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इस समय BSNL ऐसे ऐसे दावे कर रहा है जिसकी वजह से आम जनता का ध्यान BSNL की ओर केंद्रित हो रहा है। अब जनता जियो एयरटेल को छोड़कर BSNL की ओर भाग रही है। आज तक BSNL को कहा जाता था कि यह 3G सही से नहीं दे रहा है तो 5G कहां से देगा। वहीं दूसरी प्राइवेट बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G प्रोवाइड करने लगी हैं। देखा जाए तो अभी अप्रैल में BSNL ने पूरे भारत भर में 2000 से लेकर 3000 4G टावर ही लगाए थे, लेकिन अचानक उनकी संख्या भारत में 10,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द BSNL पूरे भारत भर में लाखों 4G टावर लगाने वाला है, जो कि यह बहुत बड़ी बात है। सबसे खास बात तो यह है कि BSNL जिन टावरों को इंस्टॉल कर रहा है उसमें टाटा की ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहा है ताकि 2025 तक इन टावरों को आसानी से 5G में बदला जा सके। इससे क्या होगा कि BSNL को अलग से 5G टावर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा खासा BSNL का पैसा बचेगा, जिसकी वजह से भारतीय आम जनता के लिए जो रिचार्ज की कीमत है वह बेहद कम हो जाएगी और बेहद कम समय में BSNL पूरे भारत में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करा सकेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, ऐसा करना BSNL के अकेले की बात नहीं थी। जब से टाटा ने BSNL के साथ हाथ मिलाया है, तब से BSNL पूरे एनर्जी के साथ जुट चुका है। BSNL पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल के पहाड़ी इलाके, 4G पहुंचाना चाहता है। 2025 तक 5G उतार करके सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है। इसके चलते लाखों लोग सिम पोर्ट करवाने लगे हैं। तो दोस्तों, BSNL ऐसा कौन कौन सा ऑफर दे रहा है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करवाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले, BSNL जो 140 करोड़ भारतीयों को तोहफा दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, देखा जाए इस समय तो महंगाई आसमान छू रही है। ऊपर से रिचार्ज का इतना महंगा होना लोगों को हिलाकर रख दिया है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब जियो आया था तब देश में कोने कोने तक इंटरनेट फैला नहीं था। जियो ही वह कंपनी थी जो सस्ता डाटा बेचकर इंटरनेट यूजर को बढ़ाया। उसी का देखा देखी एयरटेल और VI ने भी किया, लेकिन यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी इन कंपनियों की। उस समय भी लोगों को पता था, लोग जानते थे कि आगे चलकर इन कंपनियों का असली रंग देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कंपनियां रेट बढ़ा देगी, लेकिन इतना रेट बढ़ाएंगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था। यानी इन कंपनियों ने पिछले 10 सालों में जितना खर्च किया है वह अब आम जनता से चूसने के लिए अपना मूड बना चुकी है। और अब जब सारे भारत के जो नौजवान हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जियो के डेटा पर, तब जियो की प्राइस को बढ़ा दिया जा रहा तो एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना लिया जियो ने। इस बात को लेकर गुस्सा जो है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, खासकर युवाओं के बीच में। और बड़ी बात यह है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भूलकर भी BSNL अब गंवाना नहीं चाहता है। लगातार BSNL की तरफ से लोगों को नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं।
और सबसे बड़ा ऑफर जो सामने निकल कर आ रहा है वह यह है कि BSNL के 1,515 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में यूजर को 2 GB डेटा डेली बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है, वो भी साल भर की वैलिडिटी के साथ। तो दोस्तों, एक साल तक की वैलिडिटी और 1,515 मात्र का रिचार्ज ऑफर, ऐसा कोई भी कंपनी आज की तारीख में भारत में नहीं कर रही है। इससे बड़ा बूस्ट और क्या होगा। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर यूजर्स जो हैं वो BSNL में अपना सिम पोर्ट कराते नजर आएंगे। दोस्तों, अगर टाटा का ऐसा ही साथ BSNL के साथ बना रहेगा तो BSNL 100% सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसके प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में BSNL बीट कर सकता है, अगर सरकार ने कोई लापरवाही नहीं बरती या कोई पंगा नहीं खड़ा किया जिसकी वजह से BSNL नीचे पहुंच जाए और एयरटेल और जियो सबसे ऊपर हो जाए। तो दोस्तों, मान करके चलिए BSNL 100% एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनकर उभरेगी। क्योंकि अगर देखें, जब BSNL पहली बार भारत में आया था, यानी BSNL भारत में जब पहली बार लॉन्च हुआ था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ BSNL ही था। BSNL का इतना बूम था कि हर भारतीय के मोबाइल में BSNL के ही सिम हुआ करते थे और उसमें BSNL के नेटवर्क भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। शुरुआत में कंपनी ने लोगों को अच्छा सर्विस दिया, लेकिन वह कहते नहीं सरकारी है और सरकारी लोग कामचोर होते हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी तो समय से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए काम अच्छे से नहीं करते हैं। और उसी का नतीजा यह हुआ कि इनकी सर्विस धीरे धीरे खराब होने लगी और उसी समय धीरे धीरे भारत में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एंट्री होना शुरू हुई और कम दाम में लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। और BSNL के जितने ग्राहक थे सब उन प्राइवेट कंपनियों की तरफ चले गए। इसकी वजह से हुआ कि BSNL के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही बड़ा था बट ग्राहक कम हो गए थे। एज अ रिजल्ट BSNL कंपनी पूरी तरह से डूब गई। लेकिन एक एडवांटेज था इस कंपनी का, वह गांव एरिया के लिए। वहां पर आपको जियो एयरटेल का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा जितना कि BSNL का होता है। BSNL का मेन मोटिव था टेलीकॉम सर्विसेज को भारत के कोने कोने तक, यानी जहां फोन तक मौजूद नहीं है वहां पर भी पहुंचना। लेकिन जो जियो एयरटेल और VI थे, उन्होंने गांव को प्रायोरिटी ना देकर के शहरों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते थे और पैसा रिच फैमिली के पास ज्यादा होता है और वह गांव में न रह करके बड़े शहरों में रहते हैं और ज्यादा इंटरनेट का भी यूज करते हैं। इसलिए इन कंपनियों ने उनके हिसाब से प्लान बनाया। जो प्लान था वो तो सस्ता था, BSNL के बराबर था और सर्विसेज ज्यादा अच्छी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हो जाएगा कि 10% से लेकर के 27% तक टैरिफ का दाम बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो 100 का टैरिफ है वह 127 से 110 रुपए तक हो सकता है। इन कंपनियों द्वारा अचानक से इतना बड़ा हाइक बढ़ा देने से अब लोगों को थोड़ा झटका लगा है। लोग वापस BSNL की तरफ जा रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा, दोस्तों, लाखों लोग BSNL में अपने सिम पोर्ट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी BSNL में अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।